अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं इसमें और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते खबरों की तरफ। पूर्व मंत्री के रिश्तेदार से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले मामले फरार चले थे 25,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार। बांदा जनपद के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा के रिश्तेदार के से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में फरार चले थे 25,000 का इनामी मुख्य आरोपी गया प्रसाद यादव की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, कुछ दिनों पहले अदरा तहसील में रहने वाले पूर्व मंत्री रिश्तेदार लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा से अज्ञात लोगों ने लगातार फोन पर 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे थे। बांदा क्राइम ब्रांच ने मोबाइल पर सर्विलांस लगाकर अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी फरार चल रहे थे। इस मामले को सरगना है, जिसके ऊपर दर्जन भर मुकदमे हैं और 25,000 का इनामी भी था। पुलिस ने चित्रकूट जिला से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाइट एसपी बांदा, बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। एक मास्टरमाइंड जिसे कहते हैं, जिन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि किसे कॉल करवाना है और कैसे कॉल होगा और कैसे रुपए की वायरिंग की जाएगी। गया प्रसाद यादव था, उस समय हमने ये फरार चला था, उससे 25,000 का इनाम घोषित किया था। उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसे जेल भेजा जा रहा है। और अभी जो हमारी जो मैंने पहले भी कहा था कि इसमें जितने भी लोग अभी बचे बचे सबकी गिरफ्तारी हो गई है, आगे हम इसमें भी कार्रवाई करने जा रहे हैं और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई। अच्छा, इसको भी देखा गया, इनका जो आपराधिक इतिहास का पता कर रहे हैं, इससे पहले जो अभियुक्त जेल में गए हैं उनका बड़ा आपराधिक इतिहास है, उसी के आधार पर उसके आगे की कार्रवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सरावस्ती से। सरावस्ती जन स्वास्थ्य रक्षकों से बलरामपुर में जाकर बलरामपुर के स्वास्थ्य रक्षकों के साथ मिलकर कलेक्टर परिसर ने मुख्यमंत्री के नाम धन्यवाद ज्ञापन दिया। इसी दौरान जन स्वास्थ्य रक्षकों से प्रतिनिधि मंडल के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को जिला के स्वास्थ्य रक्षकों के साथ कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री के नाम पर धन्यवाद ज्ञापन दिया। सरावस्ती से अंकुर मिश्रा की रिपोर्ट। में ये निर्णय साफ हो गया कि हम लोगों की बहाली पक्का है, लगभग दिन तय हो चुके हैं। उसी के खुशी में हम लोग बलरामपुर की पूरी कमेटी यहाँ कलेक्ट्रेट बलरामपुर में इकट्ठा हो गए। उनके द्वारा एक ज्ञापन भेजकर ये खुशी जाहिर करते हैं कि हमारी संघर्ष जो 11-12 वर्षों से चल रही थी, अब सफलता के निकट पहुँच गया है और एकदम कन्फर्म है कि अब हम बहुत जल्द अपने काम पर लौटेंगे। इसीलिए हम लोग इकट्ठा होकर के यहाँ एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवार कल्याण निदेशालय का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापन के माध्यम से। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जल्द आ रहा है यूपी लाइव 100 न्यूज़, 24/7 खबर आप तक।